दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ के लिए, और मैं आया हूँ नरसिंह देवला गांव में। और ये आप देख पा रहे हैं मेरे ठीक आपके स्क्रीन पर नरसिंह भगवान की मूर्ति है और ये भव्य मंदिर है। यहाँ के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है दादा, आपका नाम? राम रतन जी। राम रतन जी मौजूद है, और आपका नाम दादा? राम सुंदर जी। राम जी, दोनों राम है। चलिए हम बातचीत शुरू करते हैं भगवान के दर्शन के साथ में। ये आपकी मालूमात के हिसाब से कितना पुराना मंदिर है? देखो साहब, आज हम तो इसको 50 साल से देख रहे हैं जी, लेकिन पूर्वज लोग 500 साल पुरानी बात बता रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अति प्राचीन मंदिर है जी, और ये स्वयंभू है, स्वयंभू मंदिर है। इसके कोई ना तो कोई प्रतिष्ठा की बात है, ना किसका स्थापना की बात है। अच्छा अच्छा, ये स्वयंभू नरसिंह जी है यहाँ पर। अरे वाह, तो आप तो 50 साल से देख रहे हैं, और आपके बताते पूर्वज बताते हैं कि बहुत पुराना है। हाँ। अभी वर्तमान में ये पूरे मंदिर का संचालन कौन करता है? ये वर्तमान में पूरा संचालन ट्रस्ट द्वारा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट है। अच्छा अच्छा, और यहाँ कोई सालाना कोई उत्सव होता है क्या कुछ? हाँ, साल में दो बड़े भारी उत्सव होते हैं। अच्छा, एक तो वैसाख की पूर्णिमा जी, बड़ा भारी मेला और दिन भर भंडारा चलता है। हाँ हाँ। एक कार्तिक की पूर्णिमा। अच्छा अच्छा, जो वहाँ पे बड़ा भारी अन्नकूट होता है। अरे वाह, गुरु पूर्णिमा ही मनता है। अच्छा, और जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ, हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं, राम धुन की जो यहाँ पर चल रही है, और हमें बताया गया कि 31 गांव हैं, 31 दिन हर गांव का तय होता है। ये परंपरा कब से शुरू हुई, किसने शुरू करी? ये साहब, ये ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई है। हाँ, ये वर्ष 2008 से चल रही है। अच्छा अच्छा, अखंड राम धुन है, जिसमें 30-35 गांव जो जुड़े हुए हैं जी जी, वो बारी बारी से अपनी तारीख उनको लिए फिक्स है जी जी, आना जाना उनके हिसाब से, उनकी जो भी संचालन ट्रस्ट द्वारा भोजन पानी वगैरह अन्य क्षेत्र चल रहा है, सबके लिए फ्री दोनों टाइम भोजन बनता है। सुबह का टाइम है 9 से 12 और सायंकाल 6 से 9। हाँ, मैं इसी बात कर रहा था कि मैं अभी अन्य क्षेत्र में भी गया था, भंडार में भी गया था, वहाँ भोजन बन रहा है, और जैसा आपने बताया अन्य क्षेत्र सबके लिए खुला होता है, तो इसका टाइम कब का होता है? ये टाइम सुबह का टाइम तो 9 से 12। अच्छा अच्छा, और शाम का काम 6 से 9। 6 से 9 होता है, दोनों तो ये टाइम भोजन बनता है, दोनों टाइम जो भी उस समय भगवान का भक्त आ जाए प्रसाद ग्रहण कर सकता है, सब कर ले फ्री जी जी जी। तो दोनों राम जी को हम नमस्ते करते हैं, और एक बार हमारे दर्शकों को पुनः ये मंदिर दिखाते हैं। तो ये है नरसिंह देवला के गाँव स्थित नरसिंह भगवान का मंदिर, और आप जब भी दर्शक गुजरे तो भगवान के दर्शन करें। Thank you.
तो दोस्तों आप हम मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं देवली ग्राम के नरसिंह मंदिर है और हमने आपके इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया भी है, चित्र भी दिखाए हैं। और आप जब भी मौका लगे यहाँ पधारें और भगवान नरसिंह के दर्शन करें। जैसे कि हमने आपको बताया था कि लगभग 500 साल पुराना ये मंदिर है और स्वयंभू मंदिर है। और जैसे कि आप मुझे आपको दिखा पा रहा हूँ, मैं आप देख पाएंगे माही नदी का किनारा है और माही नदी यहाँ से बहती है। आगे एक सिंगेश्वर करके शिव मंदिर बड़ा प्रसिद्ध हुआ था लेकिन वो डूब में आ गया है, लेकिन उसकी जगह नया मंदिर बनाया गया है। लेकिन सिंगेश्वर का काफ़ी पुरानी कहानी भी है जो हम आपको बाद में बताएंगे। और माही नदी को भी यहाँ का गंगा नदी की जगह तुल्य माना जाता है और वार त्यौहार पर यहाँ स्नान के लोग आते हैं। और नरसिंह मंदिर में जैसे कि हमने बताया कि साल में दो बड़े यहाँ कार्यक्रम होते हैं, वैशाख पूर्णिमा और दूसरी एक पूर्णिमा आती है उस पर। और यहाँ पर आगंतुक को भोजन प्रसादी मिलती है, वो कहीं से भी आए कैसे भी आए, और लोग दान पुण्य करके जाते हैं। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर तैयार हो रहा है और इस क्षेत्र का ये जाना माना धार्मिक क्षेत्र है।